आज के लिए टॉपिक चुन लिया, जोर से बोलो क्या? एडवर्ब, फिर से बोलो, एक बार और बोल दो। इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था? आज क्या शुरू कर रहे हैं? दो टुकड़ों में बोलो, एड, एड, शॉर्टकट मारने वाले धरती के प्राणियों, एड भी तुम बोलो, एड वर्ब, एड। बड़े निकम्मे लोग भाई धरती के। इसको टुकड़े बनाने को इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसी टुकड़े में इसका पहला मीनिंग निकल आएगा। क्या बन रहे हैं टुकड़े? एड, फिर से एक बार और, अब मजा आया। एड वर्ब, एड 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 एड, मौज होगी ये तो। चलिए अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एड इनटू वर्ब, हर वो शब्द जो वर्ब में कुछ ऐड करे। और वर्ब क्या होता है? हर वो शब्द जो सेंटेंस में काम का होना दिखाए। मैं पोडियम पे इधर से उधर जा रही हूं, ऊपर से नीचे जा रही हूं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये सब क्या है? एक्शन है। और इन एक्शंस को जब इंप्रूव करने के लिए इसमें कुछ जोड़ दिया जाता है तो इंग्लिश उस टॉपिक को क्या कहती है? एडवर्ब। यानी ऐसे शब्द जो वर्ब में कुछ ऐड करें, ऐसे शब्द जो क्रिया में कुछ ऐड करें, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, उन्हीं को कह रखा है क्रिया विशेषण। और इंग्लिश में क्या बन गया? एडवर्ब। एड मतलब जोड़ना और वर्ब मतलब काम या एक्शन या क्रिया। तो हर वो शब्द बेटा जो वर्ब में कुछ ऐड करता है, हर वो शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे इंग्लिश क्या कहती है? एडवर्ब कहती है। जैसे स्कूल में तुमने एक सेंटेंस सुना होगा, माय फ्रेंड राइट्स नीटली या क्लीनली, में से कुछ ना कुछ तुमने लिखा होगा। अब माय फ्रेंड के बाद जो कह रहे हो राइट्स, मेरा दोस्त लिखता है कैसा? साफ साफ, नीटली या क्लीनली। तो इस नीटली या क्लीनली वाले सेंस में क्या हो रहा है? राइट किसका काम कर रहा है? वर्ब का। वर्ब के साथ अगर नीटली या क्लीनली लिखोगे तो क्या बन गया? एडवर्ब। क्योंकि उसके लिखने की ही तो खासियत है ना कि वो कैसा लिख रहा है? साफ साफ। उसके लिखने की ही तो खासियत है वो कैसा लिख रहा है? साफ साफ। कोई इंसान चल रहा है और ठुमक ठुमक के चल रहा है, दोनों में फर्क है ना, एक तो चलना और एक ठुमक ठुमक के चलना। तो ठुमकने वाले की विशेषता होगी ना, उसके चलने की क्या विशेषता है? कि ठुमक ठुमक के चल रहा है भाई वो। या फिर बोलना और मीठा मीठा बोलना, एक तो बोला और एक चीनी घोल घोल के बोला, फर्क है ना दोनों बातों में। तो जब किसी को कहते हो बड़ा मीठा बोलता है, तो उसके बोलने की विशेषता है कि वो मीठा बोलता है। मीठा शब्द को क्या कहेंगे? एडवर्ब। क्या हमें बात समझ आई? एक बच्चा नोट्स बनाता है और एक बच्चा बड़े नीट एंड क्लीन नोट्स बनाता है, तो फर्क है ना दोनों में। साफ साफ नोट्स बना रहा है तो उसकी विशेषता है, लिखाई साफ है तो उसके लिखने की विशेषता है, चलता बहुत अकड़ के है तो उसके चलने की विशेषता है, बोलता बहुत खड़ूस तरीके से है तो उसके बोलने की विशेषता है। तो हर वो चीज जो काम की विशेषता है उसे इंग्लिश क्या कहेगी? एडवर्ब। हर वो चीज जो किसकी विशेषता है? काम की, सेंटेंस में होने वाले काम की। एक तो आप तैयारी करो और एक आप अच्छे से तैयारी करो, फर्क है ना दोनों बातों में। तैयारी तो दुनिया कर रही है, पर जो ढंग से तैयारी करते हैं नौकरी उनकी लगती है। तो ढंग से तैयारी करना, उस तैयारी करना की क्या हो गई? एडवर्ब हो गई भाई। तो पहली बात जो मैं तुम्हारे दिमाग में उतारना चाह रही हूं वो सिर्फ इतनी सी है कि हर वो शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करता दिखे उसे आप क्या मानोगे? एडवर्ब मानोगे। हर वो शब्द जो किसको मॉडिफाई करे? वर्ब को। बोलना किसे? वर्ब को। फिर से बोलना, वर्ब को। हर वो शब्द जो किसे मॉडिफाई करे? वर्ब को। पहली बात दिमाग में। हेलो बच्चों, अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं जो सरकारी नौकरी तो लेना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश रास्ते का रोड़ा बनी हुई है, तो ऐसे बच्चों के लिए शानदार सा बैच मैं लेकर के आ रही हूँ 15 फरवरी से, जिसमें बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ाऊंगी। रोज 3 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटा टीचिंग का, 1.5 घंटा प्रैक्टिस और वोकैब का। अब की बार लड़ाई लड़नी है इंग्लिश से, तो 15 फरवरी को आना मत भूलना।